दोस्तों, अगर आपको Redmi का Note 5 Pro बुक करना है तो ये वीडियो आप ही के लिए, और आप इस वीडियो को विदाउट स्किप करिए देखिएगा ताकि आप समझ जाए कि कैसे हमें बुक करना है Redmi Note 5 Pro। से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने Redmi Note 5 Pro की अनबॉक्सिंग वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर मैं आई बटन में दूंगा, जाके देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे बुक करना है तो विदाउट मी वेस्टिंग टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। दोस्तों, फ़ोन को बुक करने के लिए आपको पीसी की ज़रूरत पड़ेगी, उसके साथ आपको क्रोम की ज़रूरत पड़ेगी। क्रोम के अंदर आपको सर्च करना है फ्लिप शॉप, उसके बाद जो आपको सबसे पहले लिंक मिलेगी उसको ओपन करके यहाँ पे आपको एक्सटेंशन ऐड करना है। ऊपर आपको क्रोम के अंदर ऐड एक्सटेंशन करने का, उसके बाद आपको फिर आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं कि एक्सटेंशन ऐड हो गया है। उसके बाद अब हमें इसको लॉगिन कर लेने का है फेसबुक की मदद से। मैं यहाँ पर लॉगिन करूँगा, फटाफट से कर लीजिए लॉगिन। तो यहाँ पर आईडी पासवर्ड डाल के फटाफट से कर लिया मैंने लॉगिन। उसके बाद अब हमको जाने का है फ्लिपकार्ट में, तो फटाफट से सर्च करके फ्लिपकार्ट में आते हैं। तो ये खुल गई फ्लिपकार्ट की वेबसाइट, आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू हो गया, मतलब ये एक्टिव हो गया है, मतलब इसका काम यहाँ पे अब चालू हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको मैं और चीज़ दिखा देता हूँ कि कैसे क्या कुछ चीज़ें बुक करनी है। अगर आप यहाँ पर देखें तो स्क्रॉल डाउन कीजिए तो यहाँ पर आपको इसको टिक मार्क करना है ताकि ये एक्टिव रहे हमेशा। उसके बाद अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह Redmi Note 5 Pro बुक करने के लिए है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कौन सा कलर बुक करना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, कितने GB का वर्जन बुक करने का है। तो यहाँ पर मैंने ब्लैक सिलेक्ट कर दिया है। अब आपको क्या करना है, आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद आपको सारी डिटेल पहले ही फिल करके रखनी है, तकरीबन से एक घंटा पहले, क्योंकि ये बहुत बार क्रैश हो जाती है क्योंकि इतने सारे लोग बुक करते हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या कुछ चीज़ें आपको डिटेल फिल करके रखनी है। तो यहाँ पर मैंने फ़ोन को सिलेक्ट कर लिया, उसका जहाँ पे इसके अलावा आप टीवी और दूसरे सारे फ़ोन भी बुक कर सकते हैं, हॉनर के भी फ़ोन बुक कर सकते हैं, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं। तो फटाफट से इसके लिए दोस्तों आपको एड्रेस पहले से सेव करके रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ माई प्रोफाइल के अंदर आपको एड्रेस पहले सेव करके, इसके अंदर आपको टाइम की बचत होगी, सीधा आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने एक एड्रेस सेव करके रखा, ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐड एड्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको नाम बाकी सारी डिटेल ऐड एड्रेस कर देनी है। तो ये सारी चीज़ें भरने के बाद एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन बंद हो चुका है, इसीलिए आपको पेमेंट पहले ही करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा मैं आपको तरीका बताऊँ तो पहले ही आप फ़ोन पे के ऑप्शन के अंदर जाके अपना फ़ोन पे को रजिस्टर कर लीजिए, मतलब आप UPI ID से डायरेक्ट पेमेंट कर देंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आपको पूरा फ़ोन बुक करना है। मुझे उम्मीद है दोस्तों, अगर आपने वीडियो स्किप नहीं की होगी तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि कैसे हमें बुक करना है फ़ोन को और कैसे हमें फ़ोन 100% मिल जाएगा। दोस्तों, मैं गारंटी नहीं लेता हूँ कि फ़ोन आपको मिल जाएगा, लेकिन इसके अलावा आप ये एक्सटेंशन और भी जगह ऐड करके अपने दोस्तों को वहाँ बिठा दीजिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए ताकि और भी आपके दोस्तों को पता चल जाए कि कैसे बुक करने का है फ़ोन। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले मिलती रहे।